चैनल, माय नेम इज देविका और आज हम बनाने वाले हैं एक और नई रेसिपी। तो अभी दिवाली आने वाली है तो मैंने सोचा एक अलग सी रेसिपी ट्राई करते हैं। वैसे तो ये रेसिपी मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट होने वाली है और आई होप आप में से भी बहुत सारे लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये होने वाले हैं हमारे आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स, जो कि है 250 ग्राम काजू। उसी के साथ मैंने यहाँ पे 100 ग्राम चीनी ली है और जितना ही हमने यहाँ पे चीनी लेनी है उतना ही हम यहाँ पे पानी लेने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी भी मेजरमेंट इक्वल रखी है। तो वैसे तो मैंने ये रेसिपी एक दो बार ट्राई करी है लेकिन वो इतनी सक्सेसफुली बना नहीं पाई क्योंकि उसके अंदर जो पेस्ट है ना वो अच्छे से बन नहीं पाया। तो अब मैं थर्ड टाइम जो है काजू कतली बना रही हूँ आपके सामने और इसका रिजल्ट भी मैं शेयर करूंगी, चाहे वो बने या ना बने। तो एक बार हम दोबारा से ट्राई करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका पाउडर और फिर हम आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काजू का पाउडर तैयार कर लेंगे और सबसे डिफ़िकल्ट टास्क यही होने वाला आज की रेसिपी के लिए। तो मैंने जैसे पहले ट्राई करे थे बनाने की, तो उसमें क्या होता था, या तो ये ज़्यादा टाइट हो जाता है या फिर ज़्यादा अच्छे से पीस नहीं पाता, जिसकी वजह से मेरे जो काजू कतली है वो अच्छे से बनी नहीं पाई। तो इस बार हमने थोड़े इसको हल्के हाथों से ही पीसना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब इसको पीस के देखा तो ईजिली पीस गया था, इसलिए मैंने रिस्क लिया और थोड़े और डाले। जितने भी बाकी बचे थे सबको मैंने पीस लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया और जैसे कि आप देख सकते हो उसमें कितना कलर डिफरेंस आ रहा है। तो मैंने जो फर्स्ट वाला पीसा था ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लग गया था। लेकिन जो सेकेंड वाला है ना वो मैंने थोड़ा सा रुक रुक के चला के करा तो वो इतना ज़्यादा नहीं पिसा और एकदम पाउडर के फॉर्म में ही तैयार हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो काजू का पाउडर है वो तो तैयार कर लिया, अब बस हमें इसे पकाना है। और पकाने के लिए कुछ नहीं करना, बस जो हमारी क्वांटिटी थी चीनी की और पानी की वो हमें डाल देनी है और एक तार वाली चाशनी तैयार कर लेनी है। इसको हमें चलाते रहना है और 2-3 मिनट में हमारी जो चाशनी है वो भी तैयार हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे बुलबुले उठ रहे हैं और इसकी जो आवाज़ थी ना अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, वरना इसकी आवाज़ इतनी सूदिंग आ रही थी और दिखने में भी इतना टेम्पटिंग लग रहा है कि बस इसको देखते रहूं। और यहाँ पे हमारे कैमरामैन ने कुछ अपनी कलाकारी दिखाते हुए थोड़ा इफेक्ट डाला है। तो यहाँ पे हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है और अब मैंने फ्लेम को रखा है मीडियम या फिर आप लो रख सकते हैं। और जब भी हम कोई भी चीज़ किसी चीज़ में डालते हैं, ग्रेवी में या फिर चाशनी में, तो हमें ज़्यादातर मीडियम फ्लेम रखना चाहिए, नहीं तो वो जल सकता है क्योंकि पहले से चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म है और अगर मैंने हाई फ्लेम रखा तो जो हमारा काजू वो नीचे चिपक जाएगा, इसलिए मैंने फ्लेम को मीडियम रख लिया था। और अब हम इसे जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे और इसे हमें जब तक पकाना है तब तक हमारा जो ये काजू का पेस्ट है वो हमारी कढ़ाई को अपने आप छोड़ने ना लग जाए। और एक बात, मैंने यहाँ पे घी का यूज़ बिल्कुल नहीं करा है। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा सा घी डाल सकते हैं ताकि वो नीचे ना चिपके, बट मैंने यहाँ पे कोई घी नहीं डाला है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप लास्ट में देखें जब मैं इसको प्लेन करूँगी और कटिंग करूँगी ना तब कितना ज़्यादा ऑयल निकलेगा इसका अपना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा घी नहीं डाला है। तो ये देखिए हमारा जो काजू का पेस्ट है वो एकदम तैयार हो गया है और बस अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद शेप देनी है और फिर बस पेट भर के खाना है। तो अब हमें इसे ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया, उस पर थोड़ा सा हम घी ग्रीस कर देंगे ताकि ये इसको चिपे ना, और चाशनी की वजह से थोड़ा चिपचिपा हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर घी लगा दिया अच्छे से। अब हम इसको चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हैं, बस ध्यान रखना उसमें थोड़ा सा घी लगा देना और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, ज़्यादा ठंडा बिल्कुल मत करिएगा नहीं तो ये टाइट होके शेप वैसे आने लग जाती है। तो ये थोड़ा सा गर्म था इसलिए मेरे हाथ भी आप देख सकते हो कैसे मैं इसको टच कर रही हूँ। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसको बेलन की हेल्प से थोड़ा सा शेप दे देंगे और जो इसकी एजिज है ना वो थोड़ी सी पतली रखना, उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा और थोड़ी हमारी काजू कतली भी ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया और अब हाथों से मैं इसको अच्छे से दबा सकती हूँ, इतना गर्म है ये पर ज़्यादा गर्म नहीं कि हाथ बिल्कुल जल रहे हो। तो यहाँ पे मैंने पहले स्पैचुला की हेल्प से प्लेन करने की कोशिश की बट वो अच्छे से नहीं हुआ, थोड़ा सा बीच में खड्डे हो रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे बेलन की यूज़ करी और बेलन की हेल्प से बिल्कुल एकदम प्लेन कर लिया मैंने। और यहाँ पे हम अब कटिंग कर लेंगे। मेन यहाँ पे आप वैसे तो कोई भी शेप दे सकते हैं बट
काजू कतली बना रहे तो वो फेमस जो शेप है वो भी दे सकते हैं, तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से इनको अच्छे से कट कर लिया है। पता नहीं कैसे ये नाइफ थोड़ा सा उतना शार्प नहीं है या फिर मेरे को कट करना नहीं आया। थोड़ा सा इसका आप देख सकते हैं काजू कतली की जो साइड में एजिस सी है ना वो थोड़ी सी रफ़ रफ़ है, इतनी क्लीन उसकी फिनिशिंग नहीं आई है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कट करते हुए और नाइफ़ को ना टाइम टू टाइम क्लीन करते रहिएगा। मैंने एक ही बारी में सारी कट कर दी इसलिए थोड़ी सी फिनिशिंग में गड़बड़ हो गई है। बाकी हमारी काजू कतली एक नंबर बनी है, आप टेक्सचर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया। बना के ज़रूर देखना अपने हाथों से, बाहर की काजू कतली भूल जाओगे आप। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग के लिए वही नॉर्मल मैंने यहाँ पे एक फ्लावर टाइप डिज़ाइन बना लिया है। जो भी बढ़िया बढ़िया काजू कतली थी वो मैंने एक साइड लगा दी है, बाकी हम खाएंगे ही उसको कहाँ रखेंगे। पर उनकी जो शेप अच्छे से नहीं आ पाई इसलिए हम उनको अलग से रख देंगे। तो ये रही हमारी काजू कतली, आप कमेंट में बताना कैसी लग रही है। तो गाइज ये देखिए फाइनली जो मेरी फेवरेट रेसिपी है मिठाई की वो तो तैयार हो चुकी है और अब हम इसको ट्राई करके भी देख लेते हैं कैसी बनी है। तो मैंने यहाँ पे ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इनको हम ख़राब नहीं करेंगे अभी, ये दिखने में अच्छी लग रही है। फोटो वगैरह लेने के बाद हम इसको भी ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट हम इसको ट्राई करते हैं। ओ भाई साहब एकदम रियल टेस्ट है गाइस, आप एक बार जरूर ट्राई करना। हाँ दो तीन बार थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है टेस्ट, पर आप जैसे धीरे धीरे ट्राई करते जाएंगे ना बहुत बढ़िया बनने वाली है। और ये मैंने थर्ड टाइम बनाई है और अनबिलीवेबल रिजल्ट आया, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है ना इसका। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो इस दिवाली पे ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही ईजिली बन जाती है। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 250 ग्राम काजू लिए हैं और उसे आप देख सकते हैं कितनी सारी मैंने काजू कतली यहाँ पे तैयार कर ली है। आप आराम से बैठ के अकेले खा सकते हैं बहुत सारी, चाहे तो अपने फैमिली को भी खिला सकते हैं। सो फाइनली गाइस मैंने 4-5 साल के बाद फाइनली अपनी फेवरेट रेसिपी ट्राई कर ली और अच्छे से बना भी लिया। नेक्स्ट टाइम हम इसको और इम्प्रूव करेंगे और थोड़ा सा डेकोरेशन पे भी ध्यान देंगे, प्लेटिंग में भी। चांदी का वर्क अगर मेरे को नेक्स्ट टाइम मिला तो ज़रूर मैं उस पर लगाऊंगी। और टेस्ट तो इसका बहुत बढ़िया है, लाजवाब आया। इसको थोड़ा सा हम ठंडा और कर लेंगे और उसके बाद तो भाई क्या ही कहना है इसका। तो आप भी इस बार दिवाली पे ज़रूर बनाइएगा और काजू कतली का जायका लीजिएगा। सोन पापड़ी को भी हम थोड़ा सा रखेंगे साथ में, पर इस बार ज़रूर काजू कतली को ट्राई करिएगा। तो आप आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और काजू कतली खाते रहिएगा।